उपायुक्त हरकेश मीणा ने आज यहां खंड विकास अधिकारियों के साथ जिला में जारी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी पंचायत स्तर पर जारी विकास कार्यों का निरंतर निरीक्षण करते रहें ताकि सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जा सके। पंचायत के कार्यों को समय से पूरा किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि व जल संरक्षण की दिशा में कार्य करने को प्राथमिकता प्रदान करें और जल संरक्षण के अधिक से अधिक कार्यों को पंचायत की सेल्फ में डालें। इसलिए पंचायत स्तर पर लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग टैंक तथा चेक डैम निर्मित करने के लिए प्रेरित करें। इस तरह के जल भंडारण टैंक व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों तरह से निर्मित किए जा सकते हैं और इसके लिए धन का भी समुचित व्यवस्था का भी प्रावधान है। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने खंडों में जल संरक्षण के लिए निर्माणाधीन चेक डैम इत्यादि के कार्य का निरीक्षण करें, इनके तकनीकी पहलुओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। चेक डैम व जल भंडारण टैंकों के निर्माण से भू संरक्षण में भी कमी आती है और इससे लघु सिंचाई की सुविधा ग्रामीण लोगों को प्राप्त हो सकेगी। इन भंडारण टैंकों के समीप भूमि पर फलदार व अन्य किस्म के पौधे लगाने के लिए भी लोगों को प्रेरित करें। इस तरह के पौधारोपण कार्यों में उद्यान व वन विभाग का भी सहयोग लें। आसपास के खंडों में हो रहे बेहतर कार्यों का भी एक दूसरे से साझा करें। और अपने क्षेत्र के लोगों को भी प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि जिला में मनरेगा के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 10 जुलाई 2019 तक लगभग 577 लाख रुपए व्यय कर लगभग 2,50,685 कार्य दिवस अर्जित किए गए हैं। इस अवधि में लगभग 96.23% क्रियाशील जॉब कार्ड के सत्यापन का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने मनरेगा कार्यों का भुगतान समय पर करने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना, मुख्यमंत्री लोक भवन योजना, मातृशक्ति बीमा योजना, पंचायती राज विभाग से जुड़े प्रिया सॉफ्ट ई परिवार इत्यादि पर भी विस्तृत चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी पंचायतों में 2 लाख से कम के कम कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को विभिन्न पारंपरिक कृषि उत्पादों के उत्पादन तथा उनकी वर्डिंग व मार्केटिंग के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उनकी आजीविका को बढ़ाया जा सके। बैठक में पंचायतों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की समीक्षा भी की गई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त श्री रतन गौतम, उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण श्री केडी सिंह कंवर सहित सभी खंड विकास के अधिकारी उपस्थित रहे। ICFAI विश्वविद्यालय सस्ती और सर्वोत्तम शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में स्थापित यूनिवर्सिटी में बीटेक, बीएससी, बीकॉम, बीए, एमबीए, एमएससी, एमकॉम, बीवीएएलएलबी और पीएचडी के कोर्स उपलब्ध हैं। ये विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि कोई प्रवेश शुल्क या कागजी शुल्क न वसूला जाए और किताबों की कोई कीमत नहीं ली जाती है, इसलिए छात्रों पर कोई आर्थिक बोझ नहीं है। सभी फीस अन्य विश्वविद्यालय में ली जा रही है। ये जानकारी विश्वविद्यालय के मार्केटिंग हेड जगजीत सिंह भावरा ने हमीरपुर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय परिसर में हिमाचल, पंजाब, हरियाणा के विभिन्न जिलों के लगभग 300 छात्रों को प्रवेश मिला है। ये विश्वविद्यालय पंजाब के साथ हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्र के पास है। विश्वविद्यालय के प्रत्येक कक्षा में
प्रोजेक्टर सहित सभी अल्ट्रा आधुनिक सुविधाओं के साथ प्रदान की गई हैं, ताकि छात्रों को वर्तमान समय की तरह सभी प्रकार की शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि नए सत्र के प्रवेश के लिए हिमाचल के हमीरपुर जिले में परिसर खुला है, ताकि हमीरपुर क्षेत्र के छात्रों को प्रवेश पाने में कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने कहा कि गरीब और इंटेलिजेंट छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के साथ पूर्व सैनिकों के लिए शुल्क प्रवेश में भारी छूट है। यूनिवर्सिटी ने इस तरह से लॉ की स्टडी के लिए वीकेंड क्लासेस का भी प्रावधान है। हम हिमाचल के बच्चों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, और इसमें कोटे वाले बच्चों को हम लोग यही चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स की हार्ड अर्न मनी का वैल्यू उनको मिले। अधिकतर बच्चे तो ये है कि उनको जब इस चीज़ की समझ आ जाती है कि पैसे तभी मिलेंगे या जो दी हुई फीस तभी सरकार से वापस आएगी कि अगर हमारी पढ़ाई बिल्कुल सही होगी, अगर हम कहीं पे फेल नहीं होते हैं या सप्ली नहीं आती है, तो ज़्यादातर बच्चे ऐसा ध्यान दे देते हैं। लेकिन 1-2% ऐसे बच्चे होते हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते, लेकिन लेटर ऑन उनको भी इस चीज़ के लिए समझा दिया जाता है और मना दिया जाता है।